और अगर हमने एडवोकेट्स को छोड़ दिया तो क्या सामान्य जनता क्या ये कहेगी कि हम झूठा एफिडेविट फाइल करें तो हमको जेल भेज दिया जाता है, एफिडेविट अगर फर्जी एडवोकेट फाइल करें तो उसको माफ कर दिया जाता है? ये दोहरा चरित्र क्यों कि जब जो व्यक्ति कहता है कि ये मेरे सिग्नेचर नहीं है, आप कहते हैं कि हम नहीं विड्रॉ करेंगे अपना वकालतनामा, तुमसे जो करते बनता कर लो। सवाल इस बात का है कि जब हालात यहाँ तक आप लोगों ने पैदा कर दिए कि उसको एसपी को भेजना पड़ा, क्योंकि तब तक भी कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था, और हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट आ गई कि वकालतनामा पे दिलीप पांडे साहब के दस्तखत नहीं है। अभी बस इतना सा क्वेश्चन है, क्या फर्जी दस्तावेज के साथ, फर्जी हस्ताक्षर के साथ दिलीप पांडे जी का वकालतनामा पेश हुआ कि नहीं, और क्या प्रदीप कुमार तिवारी जी ने झूठा एफिडेविट हाईकोर्ट में पेश किया कि नहीं? अभी पूरी बहस बस इतने पे रहेगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। सर अब आपने तो सुबह ये कहा था, इट इज एन ऑफेंस, फाइलिंग ऑफ अ फॉल्स एफिडेविट, इट इज एन ऑफेंस। अब क्या किया जाए सर, अब आप लोग ये बताओ। एपोलॉजी में सर हलफनामा की सेंटिटी क्या होती है? हलफनामा की सेंटिटी क्या होती है सर, इसके बारे में थोड़ा सा बहस करेंगे क्या? कि एक ग्वालियर में के एस तोमर साहब ने एक बहस की थी कि फर्जी हलफनामा फाइल करने पे कोर्ट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। झूठा हलफनामा के ऊपर हाई कोर्ट ने ग्वालियर बेंच में एक काफ़ी सीरियस आर्गुमेंट्स हुए थे, और ये कहा गया था कि झूठे एफिडेविट्स को टॉलरेट करना उचित नहीं है। काफ़ी एलैबोरेटली आर्ग्यू हुआ था, 18 अप्रैल 2022 को वो डिसाइड हुआ है, और वो सारी चीज़ों को कंसीडर करके झूठे एफिडेविट जो है उसको क्रिटिसाइज किया गया है, फिर उस केस के तथ्यों को लेकर फिर ऑर्डर हुआ था। तो एफिडेविट क्या होता है वो आपको इस ऑर्डर में मिलेगा, श्रीमती कमला शर्मा वर्सेस सुखदेव लाल एंड अदर्स, वही चीजें रेफर होंगी। माय लॉर्ड, मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट था भाई साहब, आप बेटे हैं पाठक साहब के, इसलिए मैं आपको उस तरीके से मना नहीं करूंगा, परंतु जब आपके फादर जिनके खिलाफ आरोप लगा है, या तो वो आपको लॉयर एंगेज कर रहे हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम, तो ये पीस मेल में अलग अलग इंसान जब आर्ग्यू करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। मैं आप लोगों से इतना ही निवेदन कर रहा हूँ कि ये बताइए कि इस इशू को जिसका कि सॉल्यूशन एक सेकंड में सॉल्व हो जाता, जब दिलीप पांडे जी ने कहा था कि साहब मेरे हस्ताक्षर नहीं है आप हट जाइए, तो हट जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था, ये आप लोगों को निर्णय लेना था, परंतु उस चीज को इतना खींचा गया कि स्थिति यहाँ तक आ गई है जहाँ पे एसपी की रिपोर्ट खिलाफ में है और एफिडेविट छूटा है। ये जवाब से भी स्वीकार कर लिया गया कि बिना पढ़े लिखे हमसे साइन लिए गए, तो अब आप लोग ये बताइए कि क्या करना चाहिए, बस इतने पे बहस करें। अभी मेरिट्स के ऊपर मैं नहीं डिसाइड कर रहा हूँ, मेरिट्स के ऊपर जो भी होगा संजना सानी मैडम को सुन के, आप लोगों को सुन के डिसाइड होगा, क्योंकि दिलीप पांडे जी अब आप खुद अपेयर हो रहे हैं, तो उनकी तरफ से हम किसी और को बहस नहीं करने देंगे, पांडे जी से ही बहस सुनो हम। अब और नई कंट्रोवर्सी नहीं खड़ा करना चाहते कि पांडे जी ने किसी और को एंगेज किया कि नहीं किया, वो पर्सनली अपेयर हो रहे हैं, उनको सुन लेंगे, आप लोगों को भी सुन लेंगे पांडे जी को छोड़ के। आप इस कंट्रोवर्सी में बताइए कि क्या चाहते हो। सौरभ जी अब आप ही बताओ सर। Although, मेरा ये रिक्वेस्ट था कि इसमें मंडे को रख लिया जाए, श्री नगेन सिंह साहब इसमें अपीयर हो, सर मैं बढ़ा नहीं पाऊंगा। तो सर फिर मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, वी मे काइंडली बी परमिट टू विथड्रॉ द वकालतनामा, माय हम्बल रिक्वेस्ट। ये अब आप बताइए कि चलिए सर, ये आप लोगों ने फाइंडिंग क्यों ली कि साहब ये फर्जी वकालतनामा पेश हुआ, ये आप लोगों ने फाइंडिंग क्यों, ये आप लोगों ने एफिडेविट्स क्यों झूठे फाइल किए, इसके बारे में भी तो क्या इतनी आसानी से छूट जाएगा? और अगर हमने एडवोकेट्स को छोड़ दिया तो क्या सामान्य जनता क्या ये कहेगी कि हम झूठा एफिडेविट फाइल करें तो हमको जेल भेज दिया जाता है,
एफिडेविट तो अगर फर्जी एडवोकेट फाइल करे तो उसको माफ कर दिया जाता है, ये दोहरा चरित्र क्यों, क्या जवाब होगा हमारे पास ये बता। मैं भी जानता हूं ये कंट्रोवर्सी ऐसी नहीं थी कि जहां तक बात यहां तक आ जाए जी, और आप लोगों ने जो भी कारण हो इस बात को यहां तक खींचा है और नाउ वी आर एट द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, वी कैन नॉट गो बैक नाउ। मुझे अच्छे से याद है मिस्टर दिलीप पांडे साहब ने ये कहा था कि मैंने पाठक साहब से रिक्वेस्ट की, साहब मेरे संस्कृत नहीं है आप विड्रॉ कर लीजिए। उन्होंने कहा कि आपसे जो करते बनता कर लें, मैंने तो वकालतनामा पेश कर दिया है। मैं दिलीप पांडे जी की उपस्थिति में दोहरा रहा हूँ, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो पांडे जी से रिक्वेस्ट है कि वो ठीक कर दें मेरे को। सही है माय लॉर्ड, मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया था, इन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद इन्होंने पुलिस में शिकायत की, तो मैंने आपसे है सर पांडे जी बताइए। पांडे जी आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं? अब आप ये बताइए करना क्या है सर, विड्रॉवल तो हो जाएगा कोई इशू नहीं है, ये झूठा बकवास है सर। पांडे जी कुछ कह रहे थे, दिलीप जी बोलिए ना। हाँ वो एक बार और बोला था, नहीं वो ठीक है। देखिए जब दिलीप पांडे जी का कहना है कि मैंने साइन नहीं किया और एसपी साहब की रिपोर्ट है कि इन्होंने साइन नहीं किया, तो विड्रॉवल करें या ना करें यू कांट रिप्रेजेंट मिस्टर पांडे, इशू वो नहीं है। फर्जी वकालतनामा पेश करना और फर्जी हलफनामा पेश करना, दीज आर द क्वेश्चंस। सौरभ जी अब आप बताइए कि इसको कैसे रिजोल्व किया जाए। सर वकालतनामा तो जो हमने फाइल किया था ऑन द इम्प्रेशन ऑफ धर्मेश चतुर्वेदी, बिकॉज उन्होंने अपने एफिडेविट में भी बोला कि हम करा के लेकर आए थे साइन। सर वो तो अब जा चुके हैं ना, उनका कोई एफिडेविट नहीं, धर्मेश जी का कोई एफिडेविट नहीं है, वो तो स्वर्ग सिधार चुके हैं एक्सीडेंट में, आप ही लोगों की तरफ से स्टेटमेंट आया था ना। जी जी तो सर लास्ट एफिडेविट में उन्होंने, आप मुझे ये बताइए कि जब जो व्यक्ति कहता है कि ये मेरे सिग्नेचर नहीं है, आप कहते हैं कि हम नहीं विड्रॉ करेंगे अपना वकालतनामा, तुमसे जो करते बनता कर लो, ठीक है मैं मानता हूँ। मैंने पांडे जी से बाहर ये भी बोला था कि आपको यदि लग रहा है तो मैं विड्रॉ कर लेता हूँ, ये बात नहीं है। पांडे जी ने जब यह स्टेटमेंट दिया था कि आपके फादर साहब से जब उन्होंने दो बार कहा, उन्होंने इस तरीके से बोला, जब मृगेंद्र सिंह सर थे साथ में, मैंने उनसे उनके सामने बोला था पाठक जी से, पाठक जी ने मुझसे एक ही बात बोला था, मैंने आपसे कोई मदद नहीं मांगी और मैं आपसे इस मैटर में कोई बात नहीं करना चाहता। सुनाई नहीं दे पा रहा। तो अब आप ये बताइए कि फर्जी वकालतनामा और फर्जी हलफनामा पेश करने पे क्या निर्णय किया जाए, बस इतना पूछ रहा हूँ। आपसे अदरवाइज नहीं पूछता, क्योंकि अगर कोई बड़ी सीरियस कंट्रोवर्सी होती तो फिर मैं ये पूरा क्षेत्राधिकार अपने पास रखता, ये कंट्रोवर्सी आप लोगों ने पैदा की है। मैं जानता हूं कि जब बहुत सारे लोग होते हैं किसी केस में तो सामान्यतः एक या दो व्यक्ति आते हैं, बाकी वो प्री साइंड वकालतनामा लेके आते हैं, आई नो दैट। परंतु प्री साइंड वकालतनामा में से अगर कोई एक व्यक्ति आपके पास आके कहता है कि मैंने साइन नहीं किया है, तो आपको हट जाना चाहिए था, ये मेरा विचार है। परंतु पांडे जी का कहना है कि भाई उनको साफ साफ मना कर दिया गया कि हम नहीं हटेंगे, ये आप लोगों का प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है कि नहीं, मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा, राइट, क्योंकि मेरा ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, बार काउंसिल का ज्यूरिसडिक्शन। सवाल इस बात का है कि जब हालात यहां तक आप लोगों ने पैदा कर दिए कि उसको एसपी को भेजना पड़ा, क्योंकि तब तक भी कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था, और हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट आ गई कि वकालतनामा पे दिलीप पांडे साहब के दस्तखत नहीं है। मजे की बात यह है कि जो रिपोर्ट आ गई थी उसको एंटीसिपेट करते हुए आप लोगों ने दो हलफनामे पेश कर दिए, एक गलती को छुपाने पे एक और गलती की, और उसमें एक चूंकि स्वर्ग सिधार गए हैं इसलिए हम कुछ कर नहीं सकते। रहा सवाल दूसरा, दूसरे का हलफनामा आ गया कि मेरे से तो खाली कागज के ऊपर साइन कराए गए, तो
प्रदीप तिवारी जी के काउंसल ने बिल्कुल ईमानदारी से कहा है कि साहब ये मेरा कृत्य जो है वो अपराध की श्रेणी में आता है। मैं ईमानदारी से कहने वाली बात इसलिए कह रहा हूं, जहां पे हमारा डिस्क्रिशन होता है कि क्या अंतिम आदेश किया जाए, फाइंडिंग्स के ऊपर तो मेरा जुरिस्डिक्शन है। अब हम इस बात को ध्यान में रखते हैं कि इंसान ने गलती मानी है कि नहीं मानी, तो उनका यह कहना कि हाँ साहब मेरा कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है, शायद उनको कुछ ना कुछ फायदा दे जाएगा ऐसा लगता है। झूठा एफिडेविट फाइल करने को जस्टिफाई नहीं करूंगा मैं किसी भी तरीके से, परंतु अल्टीमेट कंक्लूजन में शायद इनकी ये स्वीकारोक्ति अगर ऐसा लगता है कि दिल से है, तो आदमी अगर सुबह का भूला शाम को घर आता है तो उसको भूला नहीं कहते, ऐसे हमारे बुजुर्ग कहते थे और हम इस बात को मानते हैं। एग्री। हाँ सर, आप लोगों ने ये परिस्थिति क्यों खड़ी की कि हमको हैंडराइटिंग एक्सपर्ट तक को बुलाना पड़ गया? आप लोगों ने झूठे एफिडेविट क्यों फाइल करवाए? इसका थोड़ा सा आंसर दे दीजिए सर, बाकी फिर अपन बाद में देखेंगे मैरिट्स को, इसको पहले इस क्वेश्चन को डिसाइड करते हैं। बिकॉज बोथ ऑफ देम अपीयर्ड बिफोर द नोटरी, दे पुट देयर सिग्नेचर, दे सर स्टेटेड देयर आधार। पाठक साहब, हैव यू सीन द रिप्लाई गिवन बाय प्रदीप कुमार तिवारी? यस आई हैव। देख लिया ना सर, यू आर जस्ट अपोज, यू आर स्टिल कंटेस्टिंग दैट रिप्लाई? You are contesting that reply, contest कर लीजिए, परंतु handwriting expert को आप कैसे justify कर deny कर पाएंगे? I admit that I have received vakalatnama duly signed by. Why you did not withdrew yourself when Mr. Pandey had said suggested you? That is not a case. It is not a case where Mr. Dilip Pandey all of a sudden stood up in the court and made allegations. I moved an application for that. Mr. Pathak, don't try to trace the facts. मैं एक एक चीज की डेट्स डिस्क्लोज कर दूंगा आपके, मैं एक एक चीज को डिस्क्लोज कर दूंगा, मैं आपके बोना फाइड्स को डिस्क्लोज कर दूंगा सारे। Don't try to claim that you had moved an application for withdrawal. On that day, the application which was filed by Mr. Pandey was not available with me. And my lad directly. अच्छा, पाठक साहब आपको कुछ कहना है हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट पे? No, I do not question. You do not question. आपको कुछ कहना है विद रिगार्ड टू द रिप्लाई फाइल्ड बाय मिस्टर प्रदीप कुमार तिवारी, दैट अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस द एफिडेविट वाज फाइल्ड? इफ यू वांट टू से एनीथिंग सर प्लीज कमेंट अपॉन दैट। बिकॉज अर्लियर एफिडेविट व्हिच वाज फाइल्ड बाय मिस्टर तिवारी वाज ड्यूली ऑथेंटिकेटेड बाय नोटरी। ये उन्होंने स्वीकार किया है, आप पढ़िए तिवारी जी के एफिडेविट पे, उन्होंने स्वीकार किया है कि मैंने नोटरी के जाकर रजिस्टर पे साइन किए हैं। फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि किस परिस्थिति में एफिडेविट टाइप हुआ है। अगर वो ये कहते हैं कि मैंने नोटरी क्या नहीं गया हूं, तो मैं फिर उनके वकील साहब से पूछता। उन्होंने स्वीकार किया है कि मैंने नोटरी के वहां जाकर रजिस्टर में साइन किए हैं, इसका मतलब है, पर इनका कहना था कि मैंने खाली केस के ऊपर मेरे से साइन दिए गए, उसके बाद उसमें क्या टाइप करवाया धर्मेश जी ने या जो भी है मुझे नहीं मालूम है, और मेरे से कहा गया कि चलो नोटरी क्या पे हमने वो किए हैं, परंतु ये कहते हैं कि मैं वो उनका रिस्पॉन्ड उनका एम्प्लॉय था, इन्होंने कहा है कि मैं उनका एम्प्लॉय था, और इसमें धर्मेश जी का मैं एम्प्लॉय था, आपका कुछ कहना है इसके बारे में? नहीं, इसमें मेरा नाम तो कहीं आया नहीं कि मैंने कुछ। सर मैं आपसे जवाब देने का समय ले रहा हूँ, फिर मत कहिएगा कि आपने कुछ लिख दिया और मुझे मौका नहीं दिया। And overall, he tendered his unconditional apology. Why you created such a scene? Mr. Pathak, I am really shocked. There are a lot of judgments by Supreme Court that if there is some controversy with regard to the Vakalatnama, then fresh Vakalatnama can be filed. You drive that issue to this extent. And still you are arguing the matter. No, I am not arguing. Then what? I am stating my part only. I am not arguing. क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी हुआ बोनाफाइडली हुआ। कोई बोनाफाइड नहीं है सर, कोई बोनाफाइड नहीं है, उसके बाद आप क्या कहना चाहते हैं ये बताइए। जैसा अभी आपने कहा कि मान लो आठ लोग हैं, दस लोग हैं,
भाई साहब एक ही साइन करता है। आप पाठक साहब, आप दिलीप पांडे साहब की इस बात की बात पे क्यों नहीं जवाब दे रहे कि इन्होंने आपको मना किया था, उसके बावजूद भी आपने इनकी बात नहीं मानी। मैं आपसे इतना कह रहा हूँ पाठक साहब, ये वकालत मत करिए यहाँ पे अभी फॉर द टाइम बीइंग। आपसे इतना कह रहा हूँ, इट वॉज यू आर एन ए डॉक मिस्टर पाठक, यू आर एन ए डॉक। एडमिटेडली इट वॉज ऑन ए मिस्टेक ऑन माई एडमिटेड। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट फाइलिंग ऑफ द वकालतनामा। Admittedly, it was a bona fide mistake on my part. मैं आपसे इतना पूछ रहा हूँ, जब मिस्टर दिलीप पांडे ने आपसे कहा था कि मेरे सिग्नेचर्स नहीं है, प्लीज हट जाइए, आपने क्यों मना कर दिया? मतलब नहीं है, समय बर्बाद करेंगे अपना। मिस्टर दिलीप पांडे ने पहली बार खड़े होकर कोर्ट में नहीं बोला। अनफॉर्चुनेट पार्ट यह है कि मिस्टर दिलीप पांडे ने पहले आपसे बोला, तो जब आप नहीं माने तो उन्होंने एसपी को शिकायतें की, एसपी ने सिपाही तक आपके घर भेजा या कोर्ट में भेजा। मिस्टर पाठक यस, अरे यार सिपाही अगर आपको फोन करता है कि आपने वकालतनामा फर्जी लगाया है, तो ऐसा ये इसलिए कह रहा हूँ कि मिस्टर दिलीप पांडे ने डायरेक्ट कोर्ट में शिकायत नहीं की थी। इट टुक एवरी स्टेप टू रिजॉल्व दिस मैटर एमिकेबली, बट यू सेड के नहीं मैं तो लड़ूंगा, कोई बात नहीं सर। और आज स्थिति ये है कि वकालतनामा पे दिलीप पांडे साहब के सिग्नेचर नहीं है, और जो फर्जी हलफनामा आप लोगों ने लगवाए हैं वो भी बैकआउट कर गया है। अब आप बताइए सर, इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, ये मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। पांडे साहब आप बताओ सर। चलिए सर छोड़िए इस सब चीजों को, हम आपको एमिकस अपॉइंट कर रहे हैं, सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुन लीजिए। और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी होती तो हम ये अपना क्षेत्राधिकार कभी आप लोगों से शेयर नहीं करते, राइट? यहाँ पे मात्र एक वकालतनामे का झगड़ा है। अगर मुकदमे के तथ्यों का झगड़ा होता तो हम आप लोगों से पूछते ही नहीं, हमको जो करना होता हम खुद करते हैं। वकालतनामा का झगड़ा है जो कि एमिकेबली डे वन पे रिजॉल्व हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, उसी तारीख को हम कह सकते थे और हम विड्रॉ हो जाते और दूसरा वकालतनामा कॉन्टेस्ट की तरह से पेश करते। आप करते या नहीं करते वो अलग विषय, अलग विषय है। ये तो पांडे साहब को कोर्ट में आके शिकायत करने तक का भी मौका नहीं दिया जाना चाहिए। चलो ठीक है सर, अब आप ये बताइए, कॉन्ट्रोवर्सी को इतनी सीरियस नहीं है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, क्षमा के अतिरिक्त हम लोगों के पास कुछ मार्ग नहीं, जो हुआ उसके लिए माफी। दिलीप पांडे जी हेलो, देखिए गलत हलफनामा देना और गलत स्टेटमेंट होना तो इसको तो माफ नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर तो जो भी स्ट्रक्चर होगा वो मेरा होगा, उस पर मैं कोई कंसल्ट किसी से नहीं करूंगा जी। अब आपने दो चीजें सुनी हैं, सुबह भी प्रदीप तिवारी जी के वकील साहब को सुना था, उन्होंने कहा था कि हाँ साहब मेरे पक्षकार का कृत्य, उसने जो भी हलफनामा जैसे भी परिस्थिति में पेश किया हो वो अपराध की श्रेणी में आता है जी। अभी भी उन्होंने वही चीज कही है। कंट्रोवर्सी को ध्यान में रखते हुए कि जहाँ पे सिर्फ आपके सिग्नेचर वकालतनामा पे सही है कि नहीं है, अगर कोई व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करता है तो उसको एक और मौका सुधरने का, दोबारा गलती करने का नहीं, सुधरने का मौका देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हेलो जैसा सकते हैं, अरे ग्रीवेंस आपका है ना, आपसे भी तो पूछ सकता हूँ जी। क्या जी का क्या मतलब, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए, देना चाहिए। पाठक साहब के बारे में अब आपका क्या कहना है? हेलो उनके लिए भी है कि देखिए आप जो भी है कटुता है जो भी है उसको छोड़िए अभी दो मिनट के लिए, अब जब से डायरेक्ट बात कर रही है तो कटुता को बीच में मत लाइए। हेलो मेरी कटुता कुछ नहीं है उनसे, बल्कि उनकी वजह से तो मैं सालों से इतना परेशान हुआ हूं कि मैं बता नहीं सकता। तथ्यों के ऊपर जो मुकदमा है उसके तथ्यों पे मैं अभी कुछ नहीं सुनूंगा, क्योंकि मैरिज के ऊपर अभी मैंने सुनना शुरू ही नहीं किया है और आज सुनूंगा भी नहीं, समय हो चुका है। अभी तो इसी कॉन्ट्रोवर्सी को आज डिसाइड करना है, तो सारी फाइंडिंग्स तो देखिए प्रदीप तिवारी जी के भी खिलाफ जाएंगी और पाठक साहब के खिलाफ भी जाएंगी, और कंक्लूजन में आपने प्रदीप तिवारी जी की माफी को स्वीकार करने के लिए सहमति दे दी है। पाठक जी के लिए आप क्या कहना चाहते हैं, बस उतना बता दीजिए, कहानी खत्म करें आज की। माइलर जैसा हो गया, अरे आप तो बताओ। इसमें मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा इनके लिए, कुछ नहीं कह पाऊंगा।